Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are having an amazing day. Well, welcome back to another vlog. अब this is not another day. ये वो existing day है जो कि इसमें मैंने पहला वाला vlog बनाया था. But there's a reason for it कि मैं उसी दिन जो है ना क्यों ये vlog continue कर रहा हूँ. So आप लोग को छोटा सा glimpse मिल गया होगा. But अभी उसको हम आगे लेके जाते हैं. And tomorrow is my birthday. So मैंने क्या किया है कि मैंने खुद ही केक ऑर्डर दे दिया था. सही है. और now I'm going to do the प्रिपरेशन वगैरह जितनी भी हो सकेगी मुझसे मैं वो कर लूँगा. एंड देन आई विल सरप्राइज माई फैमिली ऑन माई ओन बर्थडे. सही है. सो अभी जाके जो है ना केक कलेक्ट करते हैं, बिकॉज सुबह मैंने ऑर्डर प्लेस किया था. अभी तक वो रेडी हो गया होगा, उसके ऊपर जो लिखना था वो लिख लिया होगा उन्होंने. सो लेट्स गो एंड ग्रैब द केक. अच्छा, यूजुअली होता क्या है कि हम वो दूसरा दरवाज़ा यूज़ करते हैं बाहर आने जाने के लिए, बट इट्स नीड टू बी डिस्क्रीट. तो मैं अपने रूम से जो बाहर का दरवाज़ा है वो खोलता हूँ. And let's close it up. So मैं जब वापस आऊँगा सो मैं इस गेट से एंट्री मारूँगा. ओके गाइस, आई हैड टू डू अ बिट एक्स्ट्रा एफर्ट. वो इस तरीके से कि मैं बाइक के ऊपर तो आ सकता था, बट बाइक के ऊपर होना क्या था कि केक को जब मैं अपने साथ लेके जाऊँगा तो उसके सारे ऊपर की लिखाई वगैरह वो ख़राब हो जानी थी. सो मैं अभी पैदल चल के जा रहा हूँ कलेक्ट करने के लिए. इट्स अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 10-15 मिनट का ही रास्ता बनता है आना जाने का. सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट यार बर्थडे बॉय का कहाँ ये सब कुछ करता है यार. सो एनी वेज यार, दिस समथिंग न्यू है तो क्यों नहीं यार. लाइक व्हाई अदर्स शुड ऑलवेज थ्रो योर बर्थडे पार्टी, व्हाई कैन नॉट यू जस्ट डू इट योरसेल्फ. वही गैस, वो एक मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा था कि मार्केट से एक आध चीज़ें भी लेके आनी है, घर वालों ने कहा था. सही है. सो उनके लिए वो मैं लेके आया हूँ, उनको मैंने दे दिया वहाँ पर. और मैंने क्या किया है, मैंने सामान यहाँ पर रख दिया था. सही है. अब उसको उठाते हैं एंड देन चीज़ें सेट करते हैं. ओके ये रहे, एक सेकेंड. अच्छा जी, तो सामान घर के अंदर आ गया है, फिर मैंने यहीं पर रख दिया. तो मैं पहले अपने रूम को थोड़ा सा सेट करता हूँ, उधर टेबल के ऊपर ही सारी सेटिंग करते हैं, बिकॉज और बाकी जगह है नहीं मेरे रूम में जहाँ पर हम सेटिंग कर सकते हैं. ओके वही गैस, तो मैंने अपने एंड से तो चीज़ें रेडी कर दी थी. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने टेबल भी सेट कर दिया था, साथ में मैं कुछ बलून्स वगैरह भी उठा के ले आया हूँ तो भी मैंने रख दिया. सो अभी जो बजट कंस्ट्रेंट था उसी के अंदर रहते हुए मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं. केक भी आ गया, साथ में मैंने पिज्ज़ा भी ऑर्डर किया तो वो भी आ गया है. अभी मैंने किसी तरीके से उनकी अटेंशन अपने रूम की तरफ करनी है ताकि मैं उनको जाके बुला सकूं एंड देन सरप्राइज देम विद माय ओन बर्थडे. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. लेकिन पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने सेटिंग किस तरीके से किया. ओके गाइस, सो बस ये मैंने एक बेसिक सा जो है ना सेटअप किया हुआ है, लाइक जो बजट कॉन्स्टेंट थे उसी के अंदर रहते हुए मैंने कहा कि यार सिंपलेस्ट टिक वे के अंदर हम ये कर लेते हैं. साथ में मैंने पिज्ज़ा भी ऑर्डर किया, वो भी हम रख लेते हैं. एंड लुक व्हाट डज माय केक से, हैप्पी बर्थडे 22 टर्न्स 23. सो 22-23 का हो गया. सो दिस इज इट. ओ थेरी. हैप्पी बर्थडे टू मी. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को आज का ये सरप्राइज अच्छा लगा होगा, जस्ट द वे मेरी फैमिली को अच्छा लगा था. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए कुछ एफर्ट्स करें और आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ लेके आए. यू नीड टू डू योर ओन एफर्ट्स. आपने अपनी एंड से भी कुछ ना कुछ करना होता है टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड द पीपल अराउंड यू हैप्पी. सही है. सो एफर्ट्स करते रहें, छोटी सी ज़िंदगी है, एक दूसरे को खुश रखें, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें. एंड इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ. सो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़. बाय बाय.